भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने एवं जिहाद और आतंकवाद को भारत के साथ साथ विश्व की धरती से उखाड़ने के उद्देश्य से धर्म नगरी वृंदावन में शनिवार को हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का संकल्प लिया गया। सुनरख मार्ग स्थित श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्रीमठ महेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी एवं अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी नानक चंद गिरी आदि के द्वारा जहां हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग को लेकर चल रहे अखंड श्रीराम महायज्ञ में आहुति दी, वहीं गौ गंगा गीता गायत्री और गौरी का पूजन कर हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही समाज सेवी डॉक्टर लक्ष्मी गौतम को महामंडलेश्वर की उपाधि से सुशोभित किया गया। पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का प्रारंभ अगस्त माह में द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात के साथ ही भारत के सभी प्रदेशों से एक साथ होगा। इस यात्रा में शामिल साधु संत व हिंदू संगठन द 7 नवंबर 2022 को 100 करोड़ हिंदुत्ववादी जनता का समर्थन पत्र लेकर संसद भवन दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र सौंपा। लक्ष्मी गौतम जी बताएंगे आपको, आज महामंडल सर घोषित किया गया आपको अखाड़ा से, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र हमेशा से रहा है और हिंदुत्व के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए और हमारा जो सनातन धर्म है जिसके जो मानदंड हैं गीता गौरी गायत्री गंगा और गौ माता, उनका यहाँ पूजन किया गया। और मुझे श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम अखाड़े से जो आज महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है या जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस जिम्मेदारी को और इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करूंगी। वैसे भी सनातन संस्कृति हमारी एक आस्था का विषय है और मैं हमेशा से जुड़ी रही हूं, परंतु आज एक पद और एक जिम्मेदारी का एक भार मेरे कंधों पर आया है, तो मैं ये यहाँ मंदिर में शिव महेश्वर धाम में जो एक बहुत ही पवित्र स्थल है, यहाँ इस संकल्प लेती हूँ कि अपने भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में हमारे हिंदुत्व का डंका बजेगा और हिंदुत्व की जो विजय यात्रा का शुभारंभ आज जो संकल्प किया गया है उसमें हमारी विजय। महाराज बताएंगे क्या कार्यक्रम किया था आपके आश्रम में? देखिए, आज गौ गंगा गायत्री गीता और गौरी का पूजन किया, ये हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का संकल्प आज लिया गया है यहाँ, जो कि अगस्त महीने में द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात से प्रारंभ होगी। देश के सभी प्रदेशों में ये यात्रा प्रारंभ होगी और 7 नवंबर 2022 को संसद भवन ये यात्रा पहुंचेगी। 100 करोड़ हिंदू और हिंदुत्ववादी जनता का समर्थन पत्र लेकर प्रधानमंत्री महोदय को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए वो पत्र सौंपा जाएगा। और इस यात्रा का जो संकल्प है वो जिहाद और आतंकवाद को भारत की भूमि ही नहीं पूरे विश्व की धरती से समाप्त करना है। इसलिए आज हमने सनातन संस्कृति के प्रतीक गौ गंगा गीता गौरी और गायत्री का पूजन कर ये संकल्प लिया है और पहले 12 मार्च 2022 से यहाँ जो श्रीराम महायज्ञ जो अनवरत चल रहा है वहाँ हवन करके इस कार्य को पूर्ण करने की ईश्वर से कामना की गई है। आज आपके घर से किसको नियुक्ति पत्र दिया गया महामंडल सरकार? आज श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़े द्वारा हमारी बहन डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी को महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया, जिसमें अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नानक चंद गोस्वामी जी मौजूद रहे।